टाइम मैगजीन की तरफ से किड ऑफ द ईयर का पहला खिताब जीतने वाली नौ उम्र साइंसदान और मौजद ने कहा है कि वो उम्मीद करती हैं कि दूसरे इनसे मुतासिर होकर दुनिया के मसाइल हल करने की ख्यालात सामने लेकर आएंगे। 15 साला गीता नजली राव ने आलात तैयार किए हैं जिनमें एक ऐसी इजाद भी शामिल है जो पीने के पानी में शीशे की निशानदेही कर सकती है और ऐसी ऐप बनाई है जो साइबर बुलिंग का सुराग लगा सकती है। इस एजाज के लिए इन्हें 8 से 16 साल के 5000 अमरीकी बच्चों में से मुंतखिब किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं और कोई भी ये करके दिखा सकता है। टाइम मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू में जो अदाकारा और फलाही काम करने वाली एंजेलिना जोली ने किया, गीता नजली राव ने कहा कि वो आम तौर पर नजर आने वाले साइंसदान की तरह नहीं लगती। उन्होंने कहा कि मैं टीवी पर जो कुछ देखती हूँ वो ये है कि कोई बड़ी उम्र और आम तौर पर सफेद फार्म शख्स साइंसदान होता है। मेरा मकसद अब बदल गया है और ये ना सिर्फ दुनिया के मसाइल हल करने के लिए खुद आला तैयार करना है बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब देना है, क्योंकि मेरे जाती तजर्बे के मुताबिक जब आपको अपने जैसा कोई और नजर नहीं आता तो ये इतना आसान नहीं होता। अमरीकी रियासत से ताल्लुक रखने वाली गीता निजली राव ने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। उन्होंने टाइम मैगजीन को बताया कि हमारी नस्ल को बहुत सारे मसाइल का सामना है जो हमने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन इसके साथ ही हमें पुराने मसाइल का सामना भी है जो अब तक मौजूद हैं, जिस तरह के हम यहाँ एक नई आलमी वबा के बीच में बैठे हैं और अभी तक हम इंसानी हकूक के मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने पैदा नहीं किया, लेकिन अब हमें इन्हें टेक्नोलॉजी के जरिए हल करना है। टाइम मैगजीन अगले हफ्ते अपने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान करेगा। महबूब अली, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।